नमस्कार। रामानुजाचार्य के जीवन में बनी हुई ये सच्ची घटना है। अब रामानुजाचार्य जो थे वह सिर्फ नाम के आचार्य नहीं थे, वह वास्तविक अर्थ में आचार्यवान थे। सो सिर्फ ज्ञान को उन्होंने रटा नहीं था, उनके जीवन में भी ज्ञान समाविष्ट था। सो उनके उत्तर काल में जब संध्या वंदन का कार्यक्रम उनको करना होता था, तब प्रातः वह अपने शिष्यों के कंधों पर हाथ रख के, क्योंकि वो अब बूढ़े हो चुके थे, तो अपने शिष्यों के कंधे पर हाथ रख के वह कावेरी नदी पर जाते और वहाँ पर स्नान करते। ये उनका नित्य क्रम था। अब उस नित्य क्रम में एक अनयूजुअल चीज़ हर रोज़ हुआ करती थी। होता यूँ था कि जब उनको कावेरी नदी में स्नान करने के लिए जाना होता था, तब वह किसी ब्राह्मण, जो जन्म से ब्राह्मण है, वैसे शिष्य के कंधे पर हाथ रखते और जब स्नान हो जाए, संध्या वंदन हो जाए, उसके बाद जब वापस आना होता था, तब वो जन्म से जो शूद्र थे, जिनका जन्म ही शूद्र जाति में हुआ था, वैसे धनुर्दास के कंधों पर हाथ रखते थे। अब उस ज़माने में तो छुताछूत का बहुत था, तो जो ब्राह्मण थे जन्म से, वैसे लोगों को ये अच्छा नहीं लगता था। तो अगर उनको पैर भी छूना होता रामानुजाचार्य का, तो वह बहुत डर डर के या दूर रह रह कर करते, क्योंकि आप ऑलरेडी नदी में स्नान करके आए हो और उसके बाद आपने शूद्र को हाथ लगा दिया। अब ये क्रम कई दिनों से चल रहा था। तो एक दिन किसी ब्राह्मण शिष्य ने, जो जन्म से ब्राह्मण था, उसने पूछ ही दिया कि माना कि आपको कंधों पर हाथ रखना होता है और आप भेदभाव नहीं रखते, लेकिन आप एक क्रम तो कर ही सकते हो कि जब आपको नदी में स्नान करने के लिए जाना हो, तब आपको धनुर्दास जैसे किसी शुद्र व्यक्ति के कंधों पर हाथ रखना चाहिए। अब क्योंकि आप अशुद्ध हो चुके हो शुद्र व्यक्ति का स्पर्श होने के कारण, तो आप नदी में जाओ, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। जब आप वापस आ रहे हो, तब आपको किसी ब्राह्मण, जो जन्म से ब्राह्मण है, वैसे किसी शिष्य के कंधों पर हाथ रखना चाहिए। अब ये सुन के रामानुजाचार्य को हंसी आ जाती है। वो ये कहते हैं कि तो फिर मेरी पूरी शिक्षा का अर्थ ही क्या है? मैं तो हर रोज़ यही कहता हूँ कि सबके अंदर ईश्वर है। तो अगर सबके अंदर ईश्वर है, तो कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र? शास्त्र तो आगे जाके ये कहता है कि अगर जन्म से कोई ब्राह्मण हो और उसके अंदर अवगुण हो, तो वो भी शूद्र है। और अगर जन्म से कोई शूद्र हो और उसके अंदर गुण आ जाए, तो वो भी ब्राह्मण है। उसके बाद रामानुजाचार्य अपने शिष्यों को आइधर ये यास्क मुनि का सूत्र कहा जाता है कहीं कहीं पर, कहीं कहीं इसको मनुस्मृति का भी सूत्र कहा जाता है, उसके बारे में बात करते हैं। सच्ची शुद्धता कैसे होती है? आदमी शुद्ध कैसे होता है? ब्राह्मण का अर्थ है सच्ची शुद्धता, जो अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध है। और उसके बारे में बात करते हुए रामानुजाचार्य यह सूत्र कहते हैं, जन्मना जायते शुद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। अर्थात जन्म से सभी व्यक्ति शुद्र ही होते हैं। याद रहे, ये जो सूत्र जो है, वह सूत्र मनु महाराज ने कहा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मनुवाद खराब है, या मनु ने हमारे पूरे सिस्टम के अंदर वर्ण व्यवस्था डाल दी, तो ये आरोप जो है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उनका ही ये सूत्र है कि जन्म से सभी शुद्र ही होते हैं। संस्कार से, आदमी अपनी इनर क्वालिटीज से ब्राह्मण होता है। रामानुजाचार्य आगे जाके ये भी कहते हैं कि अगर तेरे जैसे किसी ब्राह्मण के कंधों पर मैंने हाथ रखा होता स्नान के बाद, तो मैं अशुद्ध हो जाता, क्योंकि तेरे अंदर तो अवगुण है, तेरे अंदर तो भेद दृष्टि है। मैं स्नान करने के बाद जब धनुर्दास के कंधों पर हाथ रखता हूँ, तो सिर्फ
स्नान से तो मेरा शरीर शुद्ध होता है, लेकिन धनुर्दास के कंधों पर हाथ रखने से मेरे अंदर थोड़ा बहुत भी अगर अभिमान हो कि मैं ब्राह्मण हूँ तो वो भी चला जाता है, और धनुर्दास के कंधों पर हाथ रखने से मेरा मन शुद्ध होता है, मेरी आत्मा शुद्धता को महसूस करती है। वैसा स्पर्श जो आपको शरीर और मन दोनों की शुद्धता दे, आप सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि मन से भी शुद्ध हो जाओ, वही सच्ची शुद्धता है। मुझे आशा है कितनी समझ प्राप्त करने के बाद हम सब के जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि जो अंदर और बाहर दोनों तरह से शुद्ध हो, तो उस व्यक्ति का चरण स्पर्श करके हम भी अपने आप को शुद्ध करेंगे। शुभम भवतु, प्रणाम।